और ये आप देख सकते हैं हमारे भोपाल का बड़ा तालाब इस फोन के कैमरा के थ्रू रिकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स की सेटिंग हम लोगों ने कर दी है, यहाँ पे HDR और फ्रेम रेट कर दिया है अल्ट्रा, और चेक करते हैं कितनी बढ़िया आउटपुट प्रोवाइड करती है स्मार्टफोन गेमिंग के टाइम पे। और यहाँ पर कर्व डिस्प्ले को देख के, फोन को देख के काफी प्रीमियम फील आ रहा है। क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर लावा ब्रांड ने एक काफी बढ़िया इनिशिएटिव लिया है इसको लॉन्च करके, दैट इज लावा ब्लेज कर्व 5G स्मार्टफोन। और इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 18,000 रुपीज के आसपास, और जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 19,000 रुपीज के आसपास। वैसे मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कर्व्ड आप बोल सकते हैं पूरा वो कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा 6.67 इंच का, इसमें आपको फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ ही में आपको 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सा सेटअप दिया गया, इसमें आपको सोनी के सेंसर्स यूज किए गए हैं। सारे हम हैवी तरीके से टेस्टिंग करेंगे बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, इसकी बिल्ड कैसी है, आउटपुट कैसा है, ताकि अगर आप 20,000 रुपए के अंदर एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कंसिडर करने का सोच रहे हैं, एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको लावा ब्लेज कर्व 5G स्मार्टफोन का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा बॉक्स मिलेगा ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए, सब डिटेलिंग में चेक किए जाएंगे। करेंगे इसको क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिलने वाली है, आपको एक आधार कार्ड मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। इसमें आपको फ्री सर्विस एट होम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपके डोर स्टेप तक आगे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ब्रांड ऐसा क्लेम करता है। कैसे आप क्लेम कर सकते हैं इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक ट्रांसपेरेंट फ्री बैक कवर मिल जाएगा यहाँ पे, और एक छोटी सी आपको टाइप सी टू ऑक्स कनेक्टिविटी वाली केबल मिल जाएगी, एक सिम इजेक्टर टूल, और साथ ही में आपको 33 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर मिल जाएगा टाइप सी पोर्ट के साथ। एक बढ़िया लेंथ की आपको टाइप सी टू टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर स्मार्टफोन। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्टफोन यू विल बी गेटिंग। और यहाँ पर इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3D ग्लास बैक डिजाइन दी गई है मैट फिनिश के साथ, और साथ ही में इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, जो बैक का लुक एंड फील है काफी आपको प्रीमियम मिल जाएगा। इनमें आपको एक पावर ऑन ऑफ का बटन और साथ ही आपको वॉल्यूम कंट्रोलर्स मिल जाएंगे, और ऊपर साइड में आपको बिल्ट इन स्पीकर मिल जाएगा। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन दिया गया है, ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, और साथ ही में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पस के लिए, और साथ ही में एक सिम ट्रे मिलने वाली है। इसमें आपको ऑक्स का यहाँ पे पोर्ट नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे आपको एक टाइप सी टू ऑक्स कनेक्टिविटी के लिए केबल दी गई बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर आपको 5G प्लस 5G नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाएगा, डुअल आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और जो मेन डिस्प्ले दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले दिया गया जो कि काफी प्रीमियम बहुत ही अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। जो आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस है वो भी आपको काफी इंप्रेसिव मिल जाएगी, अगर आप हैवी सनलाइट में भी यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्टफोन को यूज करने में। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो UI की स्मूथनेस है बिल्कुल आपको परफेक्ट मिल जाएगी। जितनी भी एप्लीकेशन में आप स्विच भी करते हैं एप्लीकेशन को बिल्कुल स्मूथ तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, UI को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़िया मिल जाएगी स्मार्टफोन में। और इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा, और साथ ही में ब्रांड ने यहाँ पे क्लेम किया आपको एंड्रॉइड 14 और 15 का भी इसमें आपको अपग्रेड मिल जाएगा टाइम टू टाइम। और प्लस पॉइंट यह है इसमें आपको नो ब्लोटवेयर, साथ ही में नो एड्स का ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं फालतू की जो एप्लीकेशन रहती है यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी इसकी UI में, अपने हिसाब से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको एप्लीकेशन चाहिए। और जो मेरा वाला वेरियंट है यह है 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट, इसमें आपको 8GB की रैम मिलने वाली है, साथ ही में आप 8GB प्लस कर सकते हैं वर्चुअल रैम को आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसका वेट अप्रॉक्सिमेटली 189-190 ग्राम्स के आसपास, बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं बोल सकते, आराम से इसको आप यहाँ पे पॉकेट में भी रखते हैं, मैं भी कैरी करेंगे, आपको भारी पर बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। और साथ ही में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल प्रॉम तरीके से वर्क करता है, जब भी आप अपने फिंगर को रखेंगे इंस्टेंटली अनलॉक हो जाएगी स्क्रीन। और जो फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है वो भी परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बिल्कुल क्विकली आपको अनलॉक कर देगा आपके फेस को देख के स्मार्टफोन। और इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी कॉन्टेंट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब में मैक्सिमम यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग तक प्ले करने का ऑप्शन दिया गया स्मार्टफोन के थ्रू। और जो व्यूइंग एंगल्स है, जो डिस्प्ले पार्ट है, काफी आपको ब्राइट मिल जाएगा। अगर आप कंटेंट देखते हैं नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम कुछ भी आप देखते हैं, आराम से आप बढ़िया तरीके से कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं इसके थ्रू। व्यूइंग एंगल्स कर्व डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है काफी आपको बढ़िया मिल जाएगी। और इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है MediaTek Dimensity 7050 का प्रोसेसर, जिसका जो Antutu स्कोर है 550 लैक्स के ऊपर है। और अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने BGMI को खेल के देखा था, इसकी जो ग्राफिक की सेटिंग यहाँ पे मैंने HDR कर दी थी, और जो फ्रेम रेट है उसको मैंने अल्ट्रा कर दिया था। आराम से आप बिल्कुल हाई सेटिंग्स में भी यूज करते हैं BGMI खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक गेमिंग टेस्ट भी देख लीजिए इसके थ्रू आप लगे हाथ।
इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है, अगर आपको यूट्यूब पर बैकग्राउंड में भी प्ले करना है, अगर आपके यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट नहीं है यूट्यूब का, फिर भी आप बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऐसे स्लाइड डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आराम से आप बैकग्राउंड में भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यूट्यूब की इसके थ्रू। और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन दिया गया है, ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। और प्लस पॉइंट ये, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली डॉल्बी एटमॉस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और इसका स्पीकर का आउटपुट कैसा है उसका भी आप साउंड में सुन लीजिए लगे हाथ। यहाँ पर अगर हम इसके मेन कैमरा की बात करेंगे तो देखा जाए फ्रंट में यहाँ पे आपको पंच होल कैमरा दिया गया है 32 मेगापिक्सल का, और बैक साइड में यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है सोनी सेंसर्स के साथ, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मैक्रो कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर आप कैमरा में ऑप्शन देख सकते हैं, नाइट मोड का ऑप्शन, वीडियो कैमरा, पोर्ट्रेट का ऑप्शन, फेस ब्यूटी, पेनारोमा, मोर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो लेंस 64 मेगापिक्सल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल का ऑप्शन, साथ ही में टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप वीडियो की सेटिंग्स पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 4K तक रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है 30 FPS के साथ। और इसमें आपको EIS स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर आप कुछ देखिए इसके फ्रंट और बैक कैमरा के सैंपल्स। तो ये जो दोस्तों आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा से हो रही है, इस तरीके की आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है 32 मेगापिक्सल का। इसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है, ये हम झूम रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा शेक कर रहा हूँ कैमरा को, फ़ोन को, एंड देखते हैं कितनी आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। ये हमारे अभिषेक जी, एंड ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसके स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, सामने वाले को पता नहीं चले उसकी आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन उसको करने के लिए आपको सेटिंग्स में एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, फिर जो ये सिस्टम वाला डिफॉल्ट है इसको हटा के जो दूसरा वाला आइकन इसको आप सेलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे जो फोन कॉल आएगा फिर उसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चल पाए। इस एप्लीकेशन के साथ ही वर्क करता है। साथ ही में सेटिंग्स में यहाँ पे आपको ऐप हाइट का ऑप्शन भी दिया गया, अगर आप चाहते हैं कुछ एप्लीकेशंस ताकि कोई और यूज ना कर पाए आपके स्मार्टफोन के थ्रू उसको आप हाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख के। फिर यहाँ पर आपको एक कोड दिया जाएगा स्मार्टफोन के थ्रू, उसको आप डायल करेंगे तब ये जो हिडन ऐप्स आपको शो करेगा उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ से। और अगर हम इसके बैटरी लाइफ की बात करेंगे, यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 33 watts का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और प्लस पॉइंट ये फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। और इसको फुल चार्ज करने में अप्रॉक्सिमेटली आपको यहाँ पे 1.5 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लग सकता है, और 30 से 35 मिनट में अप्रॉक्सिमेटली आप बोल सकते हैं 50% चार्ज होती है फोन। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट सही तरीके से वर्क करता है और यूसेज पे डिपेंड करता है, जैसे आप नॉर्मल स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं अच्छे से भी यूज करेंगे 1 से 1.5 दिन के आसपास यहाँ पे बैटरी लाइफ मिल जाएगी। तो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो बिल्ड है, जो सबसे मेनली लुक एंड फील, जो कर्व डिस्प्ले दिया गया है वो मुझे काफी बढ़िया लगा। इसका जो डिस्प्ले पार्ट है अगर आप कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं उस पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस भी काफी तो यहाँ पे सही मिलने वाली है, आपको टेस्टिंग देखकर अंदाजा लग गया होगा। स्पीकर भी काफी आपको बढ़िया मिलने वाला है, मेनली जो लुक एंड फील है काफी आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफी तक प्रॉमिसिंग फोन है, अगर आपको 20,000 रुपए के अंदर एक कर्व डिस्प्ले चीज को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसके बारे में। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो परचेज कर सकते हैं वहां से। आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च लावा ब्लेज कर्व 5G स्मार्टफोन। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।